सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिनका जन्म 10 नवंबर 1848 को बंगाल प्रांत के कोलकाता में हुआ ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था और वह बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी बने उन्हें राष्ट्रगुरु की उपाधि भी दी गई इनके बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं जो कि कई तरह की एग्ज़ाम में चाहे वो रेलवे की हो एस एस की हो या यू पी के हो पूछे जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से जुड़े हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सन अठारह में की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे चल के इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का भी समर्थन किया ये यूपीएससी के मटेरियल्स हैं यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं 1879 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसे द बंगाली नाम से जाना गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है इसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्हें ब्रिटिश पीरियड के दौरान जेल भी भेजा गया और ये इंग्लैंड में रहते दौरान एडमंड बर् के के लिखे हुए किताबों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के रास्तों पर चलते थे इसीलिए इन्हें इंडियन के भी कहा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हें राष्ट्रगुरु की भी उपाधि दी गई थी इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अ नेशन इन मेकिंग इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की भी स्थापना की थी 1919 में और अंततः इनका देहांत 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में हुआ ये कुछ तथ्य थे सुरेंद्र बनर्जी के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के एकीकृत नॉलेज के लिए हमारे वीडियो को देखते रहे सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस अंडाल को ठीक है